गाइस, आई एम जस्ट गोइंग पेंडा टू बीएसपी और हम जा रहे हैं काम से, जो कि गाड़ी का काम है। पीछे शीशा टूट गया तो उसको नया लगवाएंगे। और ये बच्चा कहाँ गया? अरे यार, ये बाबू, इसका थोड़ा मेडिकल वाला काम है तो वहाँ करवाएंगे। और बिलासपुर रास्ते का थोड़ा व्यू दिखाएंगे जो कि बहुत ही शानदार सुंदर है, बहुत ही शानदार। और ये मम्मी, हेलो हेलो, तो चलो चलते हैं। और हम लोग अभी आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और तो चलो दिखाएंगे क्या है, कैसा है यहाँ का रास्ता। बहुत सुंदर, जो कि आप देख के खुश हो जाओगे। तो बस वीडियो में बने रहना, चलो दिखाते हैं। जो कि देख सकते हैं, ये पहले नहीं और भी है। और इस रास्ते को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सुख भरी रास्ता। बस वीडियो में बने रहना और आगे आगे दिखाते हैं। पूरा घाटी बचा के ना, घाटी तो उसका व्यू दिखाएंगे। और चलो चलते हैं। तो ये छोटा छोटा तालाब देख सकते हैं। आपको अगर कहीं कुछ लगे जाना तो बाहर तालाब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रास्ते में ही आप लोग को तालाब मिल जाएगा। तो ये हमारा बीएसपी का रास्ता है, बहुत सुंदर। और वीडियो बने रहना और भी तालाब दिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तालाब हैं। तो चलो चलते हैं। और एक ये तालाब, ये वाह क्या बढ़िया, वाह अति उत्तम सुंदर तालाब, क्या ही बोले, मस्त निर्माण हो चुका है सरकारी तालाब। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं कारियाम, जो कि ये है अपना गोरेला का रास्ता भी। और यहाँ से आपको बहुत ही वीआईपी रास्ता मिलेगा, सुंदर रास्ता, जो कि क्या ही बोले, वीआईपी रास्ता जो इसको बोला जाता है। तो वीडियो बने बस रहो और आपको हम दिखाते हैं। तो वीडियो लास्ट पहुँचते पहुँचते तक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा छोटा क्लिप दिखाएंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं और रास्ता देखने का आनंद उठाइए। ये बात, ये चमक, ये धमक सब तुम्हीं से है, मोदी सरकार का यही तो है। और ये कारियाम का गढ़वा है, जो कि ये जन्मों जन्म तक ये गढ़वा रहता है, चाहे इसको कितना भी पाट ले ये गढ़वा रहेगा ही रहेगा, चाहे यहाँ साला कुछ भी बना दे, बनेगा ही यहाँ गढ़वा। अब कुछ टाइम बाद हम पहुँचेंगे केंदा का घाटी, अब उसका व्यू दिखाएंगे। भैया बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता बन चुका है, बहुत सुंदर। अब बताओ भैया, इसे रास्ते में कैसे चले हम बताओ? इसीलिए बोलता हूँ, नेताओं को कार में बिठा के लाओ बाई रोड, तो समझ में आए जनता का दुख दर्द। अब यहाँ हम चलाएं कैसे? चलो, जहाँ 2 घंटा लगते हैं वहाँ 4 घंटे में पहुँच रहे हैं, ये भी कोई बात है, देख रहे हो? अब सामने से घाटी है केंद्र, तो हाँ कारियाम वाला घाटी, तो चलो दिखाते हैं। कहाँ से चलाना पड़ रहा गाड़ी, देख रहे हो कलावर चक्कर में, ये बात देख रहे हो, ये यही वाला भैया देख रहे हो, सबसे बड़ा तलवा केंद्र घाटी के मोड़ में, ये बात भाई साहब क्या ही बोले, ये ट्रक वाले को कार वाले को इतना दिक्कत हो रहा। और यहाँ भाई साहब देख रहे हो, ओहो हेलो दद्दू, उसके बाद देखो यहाँ, अब क्या ही बोल सकते, क्या पलट गया है, मतलब क्या है, क्या लग रहा है, हाथी है क्या? घोड़ा लग, नहीं नहीं जानवर पलट गया मेरे ख्याल से, ठीक है। हाई सब ऐसे जगहों में ट्रक कैसे निकल रहे हैं, लोग कैसे जा रहे हैं, सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं। ये देखो ये बात, ये अरे रे 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 बच्चे भाई किनारे से बेहिसाब
भाई साहब रुक जाओ, ये पुलिस। अरे सारो गाड़ी को यार जला दिए हैं कि क्या किए हैं, देख रहे हो ये मंदिर यहाँ का। ओ भैया रास्ता देखो, खाली रास्ता। ओ भाई क्या हुआ इसके साथ? बड़े यार, बड़े ये कार तो तला नहीं था कुछ दिन पहले, पूरा आग लग गया है। जला है। ये ना शॉर्ट सर्किट होके आग जला हुआ, पूरा इंजन मुझे पूरा भाई खत्म। तलवा देखो, तलवा खाली, बहुत बढ़िया। तलवा का निर्माण करवा रहे हैं सरकार, क्या बात है, रास्ते में तलवा, वाह। अभी अरे भाई देखो, गढ़वा देखो खाली, नया नया तालाब। अब हम यहाँ से जाएंगे भाई, अगर मेरा गाड़ी का कुछ भी टूटा सीधा सीधा यहाँ का कलेक्टर और MLA के ऊपर केस दर्ज करवाऊंगा। बिल्कुल, रोड टैक्स क्यों पटाते हैं हम, हैं फ्री में ये। चलो चलो चलो, तो आ गया। अब ये यहाँ का लास्ट मोड़ जो कि बहुत ही खतरनाक मोड़ ये, और यहाँ का रास्ता देखो, रास्ता देखो, छोड़ो व्यू देखो, रास्ता को क्या ही देखे साला। ये बात भैया, साला 5 किलोमीटर यहाँ का घाट है लेकिन ऐसा लग रहा 10 किलोमीटर। ये देखो क्या ही बोले, जरूरत है तो हमको चलना ही पड़ेगा रास्ते में। हाँ वहाँ से लुढ़क के सीधा ये रोड में डायवर्ट आउट के यहाँ, मरी जावा भगवान ऐसा रास्ता देख के। ओ हो हम कहाँ गांव में आ गए हैं यार। ओ भैया ना ना भैया, हमको माफ करो, हम ना आएंगे दोबारा इसमें से। ये कहाँ गांव में आ गए हैं हम। अरे अरे साला, ओहो भैया, ये ये मेन रास्ता है कि गांव वाला रास्ता है, कोई बताएगा मुझे। देख रहे हो इसको रास्ता बोलते हैं। दादा 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 भाई साहब मारो मुझे मारो। देखो अब यहाँ ये मिट्टी डालने का क्या मतलब है, इसमें बजरी गिट्टी डाल देते, कहीं का कुछ राखा अच्छा से डालते इस साला। इसीलिए बोलता हूँ सरकार को इंजीनियर भेजो बाहर विदेश, जो उनसे कुछ सीख के आए वहाँ का रास्ता कैसे बनता है विदेशों में। साला यहाँ मेन सड़क में क्या मिट्टी उट्टी डाल दे रहे हैं। वाह देखो गाड़ी टूटा सीधा FIR 10 कलेक्टर के ऊपर, MLA के ऊपर। ये अब बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ। नहीं बोलो ना, नहीं तुम बोलो ना, तो नहीं तुम बोलो, गलत बोल रहा हूँ। हाँ गलत है। क्या गलत है? पूरा रोड, पूरा रोड गलत है ना। हाँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो तो गलत नहीं है ना। नहीं। हाँ ठीक भाई, खाली खाली VIP रास्ता देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे, हम चलेंगे क्योंकि हमको ज़रूरत है। नेताओं मंत्रियों को क्या मतलब, वो तो भाई सीधा अपने प्लेन से हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, और उसके स्वागत के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी अपना जीव जान लगा देते हैं, मखमल का दर्री बिछा देते हैं। वाह क्या बात है, हट ना भैया। और देखो खाली तालाब देखो खाली, और ये यही बस नहीं है ना कि मैं यहीं तक का दिखा रहा हूँ, पूरा ये आपका छतावना तक है, मतलब आप पिंडर से निकलो छतावना तक ऐसा रास्ता मिलेगा बेहिसाब जिसको बोलते हैं। और देख सकते हैं ये हम गांव में चल रहे हैं भाई, ये मेन सड़क है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता है कि ये मेन सड़क है। अब क्या ही बोले यार, जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये कोई यहीं तक का रास्ता नहीं है, पूरा आपका छतौना तक ही मिलेगा। साला दिमाग ख़राब हो जाता है यार, सही बता रहा हूँ। आप कभी बिलासपुर आओ और देखो ऐसा रास्ता ख़राब, अगर बाइक में चलने वाले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या ही बोले यार, अब इतना ही गड़बड़ देख कर समझ गए होगे कि कहाँ तक कैसा रास्ता होगा। अब इसको क्या ही करें, लगाओ साला इनके ऊपर कुछ कुछ, ठीक है। क्या लगाएं पता नहीं,
चलो देखते हैं और आगे। भाई 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 चढ़ गया क्या कहाँ से? भाई रुक जा रुक जा, जा भैया तू ही जा आगे। देखो सामने का तालाब देखो यार। हाय ये है बिलासपुर का VIP रास्ता। ओ भाई देख रहे हो? अरे 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 यार ये मुरू मुरू में मिट्टी डालने का क्या मतलब है? लोगों को समझे में नहीं आ रहा। मतलब सरकार चाहती है रोग चले ही ना, चले ही ना रास्ते में, वही अच्छा है यार। वो बजरी डाल देते छोटा छोटा तो सही था, मुरू मुरू डाल ही दे रहे हैं, क्या ही बोले। भैया गलत रास्ता में आ गए हम, हद है यार। ये बात बहुत सुंदर शानदार गढ़वा, वाह दिल खुश हो गया, एक नंबर गढ़वा भाई, इसका कोई भी हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। ये बात वाह, ये आटो कहीं लुढ़क ना जाए, धंस ना जाए, फंस ना जाए, नहीं दंड हो जाए। ये समझदार बंदा, मेरे आगे भी ट्रक पीछे भी ट्रक। अब हम लोग इसी के बहुत मेहनत कष्ट के साथ पहुंचते हैं यहाँ पर केंद्र, जो कि पिंडरा से है साला 30 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। अब हमको लग गया 2 घंटा खाली केंद्र पहुंचते। वाह अब अभी तो इतना, ये तो अभी तलवा ही तलवा है, आगे बांध दिखाऊंगा। पूरा बांध का निर्माण हो चुका है ये रास्तों में। ले अब ऐसे में लोगों को कीचड़ उछल के जाएगा कि नहीं जाएगा? अब उसमें लोग कहेंगे कैसे चला रहे हो गाड़ी? अरे अपने पापा से कहो, मोदी सरकार से, कि रास्ता ठीक करें। ये बात भैया हो गया भाई। हैं? देखो तो अभी तो स्टार्ट, अभी तो वहां तक बचा है। तो क्या पूरा बनाएंगे? हाँ। अरे 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 इसमें गाड़ी फट जाएगी क्या यार? ट्रक पूरा ऐसे इधर का लोड ले लेता है जहाँ पे कार खड़ी थी। अरे 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 भैया 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 भाई साहब, ये है बांध भैया, देखो ये कहीं डामर ऐसा दिख रहा नहीं? कहीं दिख रहा होगा तो बता दो मुझे। यहाँ पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी के ही सामने जो कि देख सकते हैं, बहुत सुंदर, वाह 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 वा, क्या बात है, गजब। वाह वाह पीछे वाला कहाँ गया? दिल खुश, रुक गया है नाश्ता करने, रुक गया है। ये भाई 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 मुर्गा था। अरे रख के भाग जाते हम लोग। ले भैया क्या ही बोले भैया, मेरे मुंह से निकल गई भगवान। ये यहाँ का देख सकते हो भैया, ये नदी कभी भी टूट के थक जाए मर जाए लोग, कोई दिक्कत नहीं सरकार को, चल रहे हैं तो चल रहे, चलने दो। इसमें के ऊपर से जाने लगता है पानी, देख रहे हो अपना गाड़ी सारा सफेद कलर का है, और उसके बाद वहाँ बिलासपुर पहुँचते पहुँचते ऑरेंज हो जाएगा अपना गाड़ी, देख रहे हो बिना पेंट करवाए पेंट होगा। दिमाग खराब हो चुका है। और गाइस आप लोग को मैं बहुत ही सुंदर व्यू दिखाऊंगा उधर उधर उन पहाड़ियों की वादियों में भैया। ले और इसी के साथ देख सकते हैं ये छतौनक लास्ट वाला, इतना ही खतरनाक है जितना शुरू में मिलता है। यहाँ साला पूरा
ऐसे ऐसे तालाब का निर्माण हो चुका है, बहुत सुंदर, वाह भाई वाह। गाड़ी में हम लोग फ्री में झूलना झूल रहे हैं, क्या बात है, क्या ही नजारा है, क्या ही रास्ता है, इतना सुंदर, इतना सस्ता, प्यारा रास्ता है अपना बिलासपुर का। तो चलो इसी के साथ साथ हम लोग इस खच्चर डिब्बी वाला रास्ता को पार करते हुए बड़ी मुश्किल से तीसरा लेवल विंटर होता हुआ चलो चलते हैं, अब आगे मिलेंगे बिलासपुर में। टुक, यहाँ रास्ते में रुके हैं तो बैठ के कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चले चलेंगे। तो हम खा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम लोग खा चुके हैं, नाश्ता कर लिए, जो कि बहुत सुंदर आलू का पराठा बना हुआ था, नहीं आलू पराठा नहीं, पराठा अलग आलू अलग था, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट था। अब चलो ठीक है, खाली पेट था, पूरा खा लिए, चट कर गए, मजा आ गया। बाबू की स्माइल देखो, खा के कैसा लगा बाबू? मजा आया। मजा आ गया ना? आलू में दबा कर नहीं था। ले भाई राज खुल गया, अब ये बनाने वाली छुपा रही। ठीक है चलो कोई नहीं, अच्छा लगा। तो चलो चलते हैं बिलासपुर, बिलासपुर में पहुंचने के बाद ही वीडियो दिखाऊंगा, रास्ते में बहुत बना लिया वीडियो, और हम लोग का सीसा कैसा लगता है उसको दिखाऊंगा, उसके बाद सीधा एंड करेंगे। बाय बाय, चलो चलते हैं बिलासपुर।